थोड़ा सा बताए थे ना हल्का फुल्का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम पहले पढ़ाए थे इसके पहले वाला चैप्टर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ाए थे कि फोर्स को, जो फोर्स को है कितना पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, चार। इस टॉपिक में कितना पार्ट में डिवाइड किए थे, चार। क्या क्या था, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, वीक और न्यूक्लियर। याद है कि नहीं है, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, वीक और न्यूक्लियर। मैं बार बार ये हमेशा बताते रहता हूं ताकि ये रिवाइज रहना चाहिए दिमाग में। फोर्स को कितना भाग में डिवाइड किए थे, चार। क्या क्या बोलो, कॉन्टैक्ट, अरे बोलो यार, क्या बोलो, कॉन्टैक्ट। उसके बाद दूसरा क्या था बोलो, नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट है ना, नॉन कॉन्टैक्ट। उसके बाद क्या था बोलो, वीक। क्या था बोलो, वीक। और फिर क्या था बोलो, न्यूक्लियर। तो ये सब जो ना वीक और न्यूक्लियर जो फोर्स है, ये सब न्यूक्लियर फोर्स हमको क्लास 12th में पढ़ना है। क्या पढ़ना बोलो, क्लास 12th। वीक फोर्स थोड़ा सा 11th में ही पढ़ना है, ठीक है ना। जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ाएंगे तो वहां पे बता देंगे। और जो मेन हम लोग को फोकस करना था क्या था बोलो, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। समझ में आ गया कि नहीं। तो फोर्स कितना टाइप का जल्दी बताओ, चार। क्या था बोलो, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, वीक और न्यूक्लियर। रियलिटी बताओ, एक्चुअली में फोर्स को कितना भाग में डिवाइड कर दिए थे, 11। याद है कि नहीं है, कितना भाग को, 11। अच्छा एक बात बताओ, फटाफट बताओ, कॉन्टैक्ट को यहाँ पे कितना पढ़े थे बोलो, चार। क्या क्या बोलो, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, वीक और न्यूक्लियर। फिर फोर्स को कितना भाग में डिवाइड किए थे, दो। क्या क्या, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। और फिर फोर्स को कितना भाग में डिवाइड किए थे, दो, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। तो ये पूरा फोर्स का चैप्टर था, इसने सारा का एक्सप्लेन कर दिया था यहीं पे। जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे ये सारा फोर्स मिलता रहेगा और समझ में भी आएगा। समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्टैक्ट फोर्स कितना बार, कितना टाइप का, क्या क्या बोलो जल्दी, फ्रिक्शन, जोर जोर से बोलो, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, आगे बोलो टेंशन, बोलो बाबू टेंशन, और क्या था बोलो, स्प्रिंग। तो यहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स कितना पार्ट का बढ़ा दिए थे बोलो, चार। उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट में क्या था बोलो, ग्रेविटेशनल, फिर बोलो मैग्नेटिक फोर्स, और फिर क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बताया कि नहीं। तो यहां पे था ये चार, और ये क्या हो गया बोलो, चार तीन हो गया, क्या बोलो, सात, यही ना। और फिर बताओ फोर्स को कितना भाग में डिवाइड किए थे, दो। क्या क्या, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या क्या था बोलो, कंजर्वेटिव फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, पीछे से घुसो, पीछे से उधर, अरे पीछे से जाना आवाना, ठीक है ना, चलो देखो। फिर फोर्स को कितना भाग में डिवाइड कर दिए थे, दो। क्या क्या बोलो, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना टाइप का बता दिए थे, चार। क्या क्या जल्दी बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग। और एक बात बताए थे कि कंजर्वेटिव फोर्स का ही किसका बोलो, पोटेंशियल एनर्जी होता है। बताए थे कि नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स का ही क्या होता है बोलो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसका होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली पॉसिबल फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का ही क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगा। फिर इधर बताए थे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या दिए थे, फ्रिक्शन। क्या दिए थे बोलो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या दिए थे, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बताए थे। फिर बताए थे बोलो, फोर्स को फिर दो भाग में डिवाइड कर दिए थे, क्या क्या बोलो, कोहेसिव और एडहेसिव, कोहेसिव और एडहेसिव। तो मेन अभी हम लोग को फिलहाल फोकस करना है यहीं पे कि फोर्स जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हम अभी क्या पढ़ा रहे हैं बोलो, फ्रिक्शन। क्या पढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन। क्या नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा दिए, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या था, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, डायरेक्शन याद होना चाहिए। अच्छा वेट का डायरेक्शन क्या बताए थे बोलो, ऑलवेज टूअर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ऑलवेज टूअर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। और इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बताए थे, अभी इंक्लाइंड प्लेन भी देखने को मिलेगा फ्रिक्शन चैप्टर में। मैं फिर से बता दे रहा हूं थोड़ा सा इंक्लाइंड प्लेन के बारे में, फटाफट देखो। तो इंक्लाइंड प्लेन में क्या होता है, यहां पे ध्यान से देखना, इंक्लाइंड प्लेन में होता क्या है कि यहां पे एक ऐसा सरफेस होगा जो अर्थ के साथ क्या बनाएगा बोलो, कुछ एंगल, मतलब ये बोले तो ढलान है, क्या है बोलो, ढलान। तो ये अर्थ के साथ कुछ एंगल बनाएगा, इसी एंगल को, इस एंगल वाले प्लेन को क्या बोलेंगे हम लोग,
इंक्लाइंड प्लेन, क्या बोलेंगे इंक्लाइन। और अगर इस इंक्लाइंड प्लेन में अगर एम मास का कोई बॉडी रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए बोलो, एम मास, ठीक से जाना, ठीक है, क्या रख दिया जाए बोलो, एम मास का क्या रख दिया जाए, बॉडी, कितना मास का, एम, तो जाहिर सा बात है इस इंक्लाइंड प्लेन में ये एम मास का बॉडी नीचे गिरना चाहेगा, बोला हाँ या ना, ये एम मास का बॉडी नीचे गिरना चाहे, तो सबसे पहली बात अगर इंक्लाइंड प्लेन में रखा हुआ है तो नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा जिसे हम वेट बोलेंगे, और वेट का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ हमारा नीचे है ना, ये है ना अर्थ का सरफेस, तो हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसे हम क्या बोलेंगे बोलो, एमजी। एमजी है क्या, एमजी इज द वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, और ये रहा इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस, बोला है ना, तो इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस इसको ऊपर की ओर क्या लगाएगा बोलो, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाएगा, जब ये एम मास का बॉडी इस इंक्लाइंड प्लेन को दबाना चाहेगा नीचे की ओर, तो ये इंक्लाइंड प्लेन भी ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, अरे बोलो हाँ या ना, तो ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं बोलो, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये रहा सरफेस, अरे बोलो हाँ या ना, तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर ये होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, अच्छा बहुत अच्छा, अब गौर से बताओ ये इसको ऐसे दबा भी रहा होगा, मतलब इस नॉर्मल रिएक्शन को कोई तो होगा जो बैलेंस करके रखा होगा, अरे बोलो यार। अब यहाँ पे एक बात और बताई थी कि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा बोलो थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा बोलो थीटा, समझ में आ गया। अब थीटा वाले डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन में, थीटा वाले डायरेक्शन में बताओ एम जी का वैल्यू क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, पढ़ाई थी कि नहीं, एम जी कॉस, और ये mg cos थीटा हमेशा किसको बैलेंस करके रखता है, नॉर्मल रिएक्शन, जिसके कारण ना ही ये ब्लॉक ऊपर जा रहा ना ही ब्लॉक नीचे, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ये ब्लॉक अगर mg का mg cos थीटा का वैल्यू ज्यादा होता है, mg cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो इस इंक्लाइन प्लेन को धसा के नीचे आ जाता, बोला हाँ या ना, जबकि ये अगर बैलेंस है, मतलब ये नीचे भी नहीं जा रहा ये ऊपर भी नहीं जा रहा, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसके बराबर होता है बोलो, mg cos, इसी को हम लोग एक्शन फोर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्शन, इधर लगने वाला एक्शन तो ऊपर तरफ क्या मिलेगा बोलो, रिएक्शन, और हमेशा एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स के क्या होगा बोलो, बराबर, क्लियर हुआ बात। अब इंक्लाइंड प्लेन में ही तो नीचे भी गिरना चाहेगा, yes, नहीं गिरना चाहेगा, तो बताओ mg थीटा वाले डायरेक्शन में mg का वैल्यू कितना आया, mg cos, तो इसके परपेंडिकुलर, इसके क्या बोल रहे सुना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अरे ये वाला के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा जल्दी बताओ, mg sin, इसे पढ़ाया ना वेक्टर में, हाँ, तो इधर क्या होगा बोलो, mg sin थीटा, तो इंक्लाइंड प्लेन में गिराने वाला फोर्स का नाम क्या है, mg sin थीटा, mg क्या है बोलो, sin, ये तो बात समझ में आ गया कि नीचे की ओर लगने वाला फोर्स है mg cos थीटा, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों आपस में क्या है, बैलेंस है। अब सिर्फ अकेला फोर्स बचा है mg sin थीटा, क्या बचा है बोलो, और ये mg sin थीटा के मदद से ये ब्लॉक नीचे गिरना चाहेगा, लेकिन अगर इस इंक्लाइंड प्लेन में अगर यहां फ्रिक्शन है, क्या है बोलो, क्या है, तो फ्रिक्शन है, तो इस mg sin थीटा को नीचे गिरने से रोकेगा, कौन रोकेगा बोलो, फ्रिक्शन, तो इधर कौन बचाता है बोलो, फ्रिक्शन। अब बताओ ये जो इंक्लाइंड प्लेन है नीचे तभी गिरेगा जब mg sin थीटा का वैल्यू, किसका वैल्यू, mg sin थीटा का वैल्यू फ्रिक्शन से क्या हो, ज्यादा हो, फ्रिक्शन के का हो ज्यादा, अरे बात समझ में आ रहा क्या, बोली क्या होना चाहिए, mg sin थीटा का वैल्यू हमेशा फ्रिक्शन से ज्यादा, अरे भाई एक बात बताओ नीचे की ओर लगने वाला फोर्स mg cos, क्या ये फोर्स बचा है और नहीं, यही तो दो भाग में बटा, अरे बोलो यही तो दो भाग में बटा, इधर कितना है बोले mg cos थीटा, और इधर कितना है mg sin थीटा, ये तो खत्म हो गया ना, ये mg और है क्या, बिल्कुल भी नहीं, यही को दो भाग में बटा, इधर mg cos थीटा जो किसको बैलेंस करके रखा है, नॉर्मल रिएक्शन, तो जिसके कारण ना ही नीचे ना ही ये ऊपर, ये तो बैलेंस हो गया, बोलो हाँ यहाँ। अब सिर्फ बचा है दो फोर्स, एक बचा है mg sin थीटा, एक बचा है mg सॉरी फ्रिक्शन, क्या बचा है बोलो, अभी हम क्या पढ़ाएंगे बोलो जल्दी, फ्रिक्शन, समझ में आ रहा कि नहीं। अब ये ब्लॉक जो है इंक्लाइंड प्लेन में गिरेगा किसकी मदद से, बोलो mg sin, और ये तभी गिरेगा, बोलो बाबू ये तभी गिरेगा जब फ्रिक्शन से क्या हो, इसका वैल्यू ज्यादा, इसका वैल्यू फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो गिर जाएगा, बोलो हाँ या ना, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा हो और mg sin थीटा क्या है, कम है, mg sin थीटा क्या है, कम है, फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा, क्या ये ब्लॉक गिरेगा, ये ब्लॉक गिरेगा नहीं, लेकिन एक बात और बताओ, ये mg sin थीटा अगर फ्रिक्शन के बराबर है, फ्रिक्शन से क्या है बोलो, बराबर, अगर फ्रिक्शन के बराबर होगा तब क्या होगा, ये बॉडी गिरेगा नहीं लेकिन गिरने की अवस्था में आ जाएगा, बोलो ये बॉडी मूव नहीं करेगा, ये बॉडी मूव नहीं करेगा लेकिन ये जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन पर रहेगा, बोलो हाँ या ना, किस कंडीशन पर रहेगा, जस्ट अबाउट टू मूव, मतलब मूव करने वाला होगा, क्या होगा बोलो, मूव करने, कब समझ में आया, जब mg sin थीटा किसके बराबर हो, बोलो फ्रिक्शन के बराबर,
तो अभी हम लोग फ्रिक्शन को डिस्कशन करेंगे बढ़िया से कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है। अभी पढ़ाएंगे फ्रिक्शन तीन टाइप का होता है, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिक फ्रिक्शन। तो ये तीन फ्रिक्शन को हम लोग को बढ़िया से समझना है, फिर हम इंक्लाइंड प्लेन के बारे में भी पढ़ाएंगे। फिर पढ़ना है हम लोग को एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है, फिर एंगल ऑफ रिपोज पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोलो? एंगल ऑफ रिपोज। और जब एंगल ऑफ रिपोज पढ़ाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? ये पहले पढ़ाए थे ना एक बार, तो बता इंक्लाइंड प्लेन में गिराने वाला फोर्स का नाम क्या है बोलो? एम जी साइन। और एक बात यहां पे बता देते हैं, गौर से सुन लेना। साइन देखो, एम जी साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बढ़ने से बढ़ता है। क्या बढ़ने से बढ़ता है? जैसे साइन जीरो डिग्री जीरो, साइन तीस डिग्री वन बाई टू, बढ़ा कि घटा? बढ़ा, जीरो से बढ़ा ना। साइन 45 डिग्री वन बाई रूट टू, वन बाई बहुत अच्छा। साइन 60 डिग्री रूट थ्री बाई टू, साइन 90 डिग्री वन, अरे बोलो हाँ ये ना। इसका मतलब है कि साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बढ़ने से बढ़ेगा, बोलो हाँ ये ना। और देखो कॉस थीटा का वैल्यू थीटा के बढ़ने से घटेगा, अरे बोलो हाँ ये ना। कॉस 90 डिग्री क्या हो जाता है? जीरो, लेकिन साइन 90 डिग्री वन। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना पर मिलता है? 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 90। तो जाहिर सब आते हैं, अगर इंक्लाइंड प्लेन धीरे धीरे एंगल, देखो प्लेन का एंगल अगर बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं बोलो? प्लेन का क्या बढ़ाएं? एंगल। बात को समझो, अगर प्लेन का हम एंगल को बढ़ाएं, पेंगल का बढ़ाएं, बोलो जल्दी एंगल को, समझ रहा है? क्या बढ़ाएं बोलो? प्लेन का क्या बढ़ाएं बोलो? एंगल। अगर एंगल बढ़ाएंगे तो क्या वैल्यू बढ़ जाएगा? एम जी साइन थीटा। और किसका वैल्यू घट जाएगा? एम जी कॉस थीटा। क्या बात समझ में आ रहा? जिसके कारण ये ब्लॉक इधर लुढ़क कर गिर जाएगा। क्या बात समझ में आया? ये एक्शन फोर्स है, ये एक्शन फोर्स हमेशा किसके बराबर हो? रिएक्शन। नीचे तरफ 10 न्यूटन, ऊपर तरफ भी क्या मिलेगा? 10। यही तो न्यूटन थर्ड लॉ था, बोला है ना कि एक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। हमेशा एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स की क्या होता है बोलो? बराबर होता है। कोई दिक्कत है? चलो अब टॉपिक शुरू करते हैं फ्रिक्शन, ठीक है ना? ये छाप लो आप, ठीक है? चलो आप देखते हैं फ्रिक्शन। तो यहां तो देख लिया कि फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, जल्दी बताओ, कॉन्टैक्ट की नॉन कॉन्टैक्ट? कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है बोलो? कॉन्टैक्ट। कैसा फोर्स है बोलो? कॉन्टैक्ट फोर्स। चलो देखते हैं आगे, उतारो इसको जल्दी फटाक से, जो नहीं आया था उतारो, जो नया है वो भी उतार लो फटाक से। हाँ नहीं बताए थे? चलो देखो, चलो ये पूछ रहा है कि ये थीटा और ये थीटा कैसे होगा, ये और ये थीटा बराबर कैसे होगा। चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये वाला थीटा इस थीटा के बराबर नहीं, यहाँ का एंगल अल्फा है। यहाँ का एंगल क्या है बोलो? अल्फा। अरे बोलो हाँ ये ना। और इतना तो जानता होगा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है? 180। अरे होता है कि नहीं होता है? सम ऑफ। अरे बोलो यार, इंग्लिश बोले पूरा। देखो किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। ती वाला मान लेते हैं कुछ देर के लिए, क्या मान लेते बोलो? अल्फा। ती वाला अगर अल्फा है, ध्यान से सुनना, ये वाला इधर जाएगा बोलो हाँ या ना। ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? 90। अरे बोलो यार, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल तो 90 होगा, इधर जाएगा बोलो हाँ या ना। इसके साथ ये तो 90 डिग्री है, कितना डिग्री है? तो ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस। अरे बोलो यार क्या होगा बोलो? 90 माइनस अल्फा। अब बताओ ये वाला एंगल कितना होगा बोलो? ये भी होगा 90, कितना होगा बोलो? 90। अब गौर से सुनना, ये तो तुम लोग पढ़ा होगा कि ये वाला ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल को सम करे, तीनों एंगल का क्या करे बोलो? सम। तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। अगर 180 नहीं आया मतलब ये कॉन्सेप्ट गलत है। अरे बोलो हाँ यहाँ चेक करके देखो, यहाँ तो लिखेंगे, यहाँ थीटा लिखेंगे ना, प्लस क्या लिखेंगे बोलो? 90 माइनस अल्फा, और प्लस क्या लिखेंगे बोलो? 90। बोलो हाँ यहाँ, तो यहाँ आया क्या? अल्फा माइनस सॉरी थीटा माइनस अल्फा प्लस कितना आया बोलो? 180। यही आया ना। क्या ये 180 के बराबर आया है? नहीं। लेकिन अगर यदि हम इसी अल्फा को क्या मान ले बोलो? थीटा। अल्फा को क्या मान ले बोलो? थीटा। अगर अल्फा को थीटा मान के यहाँ पुट कर देंगे तो थीटा माइनस थीटा इक्वल टू सॉरी थीटा माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा बोलो? 180। ये कैंसिल, वैल्यू कितना आएगा बोलो? 180 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो ये एंगल थीटा ही होना चाहिए, अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए बोलो? थीटा। तभी नहीं इसका वैल्यू कितना आएगा बोलो? 180 आएगा। इसका मतलब यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या होता है बोलो? सेम होता है। कोई दिक्कत है? यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या होता है बोलो? सेम। याद रहेगा हमेशा, इंक्लाइंड प्लेन में आग बंद कर रख देना। यहाँ पे 30 डिग्री तो यहाँ भी कितना डिग्री बोलो? 30 डिग्री। यहाँ पे 45 डिग्री तो यहाँ भी कितना डिग्री होगा बोलो? बोलो 45 डिग्री। ठीक है, चलो अभी फिर से बताएंगे ये सब, इसको मिटा देते हैं। चलो फ्रिक्शन को पहले समझ लेते हैं, फ्रिक्शन है क्या। तो इतना तो समझ में आ गया
कि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है बाबू? कॉन्टैक्ट की नॉन कॉन्टैक्ट? कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसा फोर्स है बोलो? कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो लिखो फ्रिक्शन, लिख के डैश दो, दे दिया, लिखो फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। लिखो फ्रिक्शन, लिखाए थे? अच्छा ठीक है, तो बता देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा देखो समझा देते, लिखा दिए शायद ना। तो फ्रिक्शन क्या है बोलो? फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन क्या है बोलो? कॉन्टैक्ट। देखो जब दो बॉडी, अरे ध्यान से सुनना, जब दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएगा, जब दो बॉडी एक दूसरे क्या आएगा बोलो, तभी क्या वर्क करेगा बोलो? फ्रिक्शन। क्या वर्क करेगा? फ्रिक्शन। तो जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में रहेगा तभी ना फ्रिक्शन होगा। अब बोलेगा सर हवा में है, फ्रिक्शन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे कि देखो गौर से सुनना, जैसे यहां पर एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक में यहां पर रफ सरफेस है, कैसा सरफेस बोलो? रफ सरफेस। और यहां पर एक दूसरा बॉडी है, यहां पर भी कैसा सरफेस है बोलो? रफ सरफेस है। अब ये दोनों बॉडी आपस में जब टच में रहेगा, किस में रहेगा बोलो? टच में। अरे टच का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्टेक्ट में। किस में आएगा बोलो? कॉन्टेक्ट। जब दो बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में रहेगा तो यहां क्या वर्क होगा जल्दी बताओ? फ्रिक्शन। क्या वर्क होगा बोलो? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट देन फ्रिक्शन फोर्स इज वर्क्ड बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में क्या वर्क करेगा? फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा बोलो? फ्रिक्शन। आराम से जाना, धीरे से, नहीं तो पीछे से घुसो, ये तो लेट से आएगा बहुत, 8:30 बजे आ रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है बोलो? एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है बोलो? कॉन्टेक्ट। और जब दो बॉडी आपस में क्या रहेगा बोलो? टच में। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब दो बॉडी क्या रहेगा बोलो? टच में। मतलब दो बॉडी जब कॉन्टेक्ट में रहेगा तो उसके बीच में क्या वर्क करता है बोलो? फ्रिक्शन। एक बात और बताए थे कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है। मोशन का क्या करता है बोलो? अपोज। जैसे जैसे मान लो यहां पे कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास क्या है बोलो? एम है। इस ब्लॉक का मास क्या है बोलो? एम। मान लो यहां का जो सरफेस है ये रफ सरफेस है। कैसा सरफेस बोलो? रफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसा सरफेस है बोलो? रफ। जैसे इस पर बाहर से लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, क्या लगाएं बोलो? एक्सटर्नल। बाहर से जैसे ही लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, ये बॉडी मोशन करेगा। ये बॉडी क्या करेगा बोलो? मोशन। तो जैसे ये बॉडी इधर मोशन करेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या वर्क करेगा बोलो? फ्रिक्शन। हमेशा इस बॉडी के मोशन का क्या करेगा बोलो? अपोज, यानी कि इसको मोशन होने नहीं देगा, हमेशा रोकने का क्या करेगा बोलो? कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं? तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है जल्दी बताओ? फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। हमेशा बॉडी के मोशन के क्या होता है बोलो? अपोजिट डायरेक्शन में। किसका डायरेक्शन होता है? फ्रिक्शन। तो याद रखना, मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या वर्क होगा बोलो? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। लिखाए भी थे कि फ्रिक्शन जो है हमेशा क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन का अपोज। अरे रिलेटिव मोशन का मतलब समझाए थे कि नहीं? जैसे अगर कोई बॉडी, अब बोले थे कि अगर बॉडी, सुनो अगर कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के रिलेटिव नहीं है तो जनरली किसके रिलेटिव होगा? ग्राउंड के रिलेटिव होगा। ये किसके रिलेटिव होगा? ग्राउंड। इसको हम ऐसे समझा दिए थे कि अगर हम लोग गाड़ी से चलते हैं तो हम लोग को जमीन पीछे की ओर घिसकता हुआ दिखता है, दिखता कि नहीं? यही है रिलेटिव मोशन। क्या बोलो? रिलेटिव। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे गौर से सुनना, जैसे इस मोबाइल को अगर हम इस रजिस्टर के ऊपर ऐसे रगड़े, क्या करें बोलो? रगड़े। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम बोले ये जो मोशन है मोबाइल का, जो मोशन है किसके रिलेटिव है? रजिस्टर के रिलेटिव। अगर ये आगे जाना चाहेगा तो बॉडी का मोशन आगे है तो ये हमेशा फ्रिक्शन इसको क्या करेगा? इस मोबाइल को रोकना चाहेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है बाबू? ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब ये रिलेटिव मोशन का हमेशा क्या करता है बोलो? अपोज। और रिलेटिव मोशन कब होगा? जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रहेगा। समझ में आ गया कि? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव मोशन में बात करें तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ फोन बोलो विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्टर। नहीं पढ़ाए थे क्या? वेलोसिटी ऑफ फोन विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्टर। अगर मान लो, देखो एक और एग्जांपल देते हैं रिलेटिव का। जैसे मान लो ये ट्रेन है, क्या बोलो? ट्रेन। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो ये ट्रेन है और ट्रेन तो ग्राउंड पर चलेगा, कहां चलेगा बोलो? ग्राउंड। और मान लो एक आदमी है जो ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है, वरुण धवन को नहीं देखा? ट्रेन में दौड़ता है ना, देखो यहां गौर से सुनना। अब बताओ इस इंसान का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होगा? ट्रेन के। मतलब अरे ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा ना, तो ये जो इंसान का जो स्पीड होगा किसके रिलेटिव है? ट्रेन का। तो लिखेंगे मोशन ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। लेकिन ट्रेन का स्पीड किसके रिलेटिव है? ग्राउंड। समझ में आ गया? स्पीड ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आ गया? तो ये ग्राउंड के रिलेटिव है। किसके रिलेटिव है? ग्राउंड। क्लियर है? तो जो जिस पर होता है उसका क्या होता है बोलो? रिलेटिव। तो
हम बताए थे, अगर जनरली कोई बॉडी किसी के रिलेटिव नहीं है तो जनरली किसका मान के चलेंगे, ग्राउंड का। क्या मान के चलेंगे बोलो, ग्राउंड का। ये पहले ही बताए थे, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है बोलो, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन के क्या करता है, और इसका डायरेक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है। अब लिखो टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फटाक से लिखो टाइप ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां से मेन पढ़ना है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन लिखा, टाइप ऑफ फ्रिक्शन लिखा कि नहीं, लिखो टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अभी लिखना नहीं तुम लोग, अभी लिखना नहीं, पहले समझो। देखो बाबू, फ्रिक्शन ना एक्चुअल में देखे तो फ्रिक्शन दो ही टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, एक को क्या बोलते हैं बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी बाद में लिखना तुम लोग, बार बार बोल रहे हैं। एक को क्या बोलते हैं बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक को क्या बोलेंगे बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। अब दोनों का मीनिंग समझना, सुनो सुनो। तो फ्रिक्शन कितना टाइप का, दो टाइप का। और इसके बीच में, ध्यान से सुनना, ये कोई टाइप नहीं है, इसके बीच में काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में एक और फ्रिक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कोई टाइप नहीं होता, हम बताएंगे अभी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जनरली बताओ फ्रिक्शन कितना टाइप का होता है, दो। क्या क्या होता है बोलो, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक। जब अभी पढ़ाएंगे ना तो देखने को मिलेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में बीच में एक ऐसा जगह होता है या फिर एक ऐसा पोजीशन होता है, ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर क्या देखने को मिलेगा बोलो, लिमिटिंग फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन रुको अभी, जैसे कि देखो एक बात बताओ, मान लो यहां पर कोई ब्लॉक है, यहां पर कोई क्या है बोलो, ब्लॉक। इस ब्लॉक का मास एम है, इस ब्लॉक का मास क्या है, एम। बाहर से लगाए एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से क्या लगाए बोलो, अरे बोलो यार, बाहर से क्या लगाए, एक्सटर्नल। अगर हम यहां से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे क्या होगा, ये बॉडी मोशन करेगा, ये बॉडी क्या करेगा बोलो, मोशन। ये बॉडी मोशन करेगा, अरे बोलो हाँ या ना, ये बॉडी क्या करेगा, मोशन। अब जैसे ही ये बॉडी मोशन करके इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या वर्क करेगा, फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, हमेशा बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होता है, फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, मान लो, मान लो कि यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, यहां पर जो क्या है बोलो, फ्रिक्शन। ये मान लो फ्रिक्शन फोर्स यहां से 40 न्यूटन है, कितना न्यूटन है बोलो, 40। ऐसा कभी हम एक एग्जांपल दें, एक एग्जांपल दे, अभी तुम लोग को बोले कि जाओ सड़क पे जाके एक ट्रक को धक्का देना, किसको धक्का देना, क्या तुम लोग बताइए, क्या ट्रक को अकेला धक्का देके हिला देगा, हाँ या ना, अरे बोलो। अगर ट्रक को बोले कि जाके धक्का दो तो क्या ट्रक को हिला पाएगा, दो मिलके हिला देगा, तीन मिलके, चार, दस, पचास मिलके हिला देगा कि नहीं, दस मिलके काफी है कि नहीं, दस में तो जरूर हिला देगा, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या है, गौर से सुनना, रुको रुको गौर से सुनना, अरे बात को सुनो यार। मान लो यहां का फ्रिक्शन कितना दिया है बोलो, 40 न्यूटन, कितना न्यूटन बोलो, 40। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो, तभी न्यूमेरिकल बना पाएगा, है ना। यहां का फ्रिक्शन हम कितना दे दिए बोलो, 40 न्यूटन। यहां के जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो रोकने वाला फोर्स है, वो कितना न्यूटन का फोर्स है बोलो, 40। 40 न्यूटन का फोर्स हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अरे बोलो यार। अब देखो गौर सुनो, मान लो हम एक्सटर्नल फोर्स दिए 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन के फोर्स से हम धक्का लगाएं, अरे बोलो यार, 10 न्यूटन के फोर्स से क्या लगाएं, धक्का। अगर धक्का लगाएं इधर से, बात को समझो, अगर हम इधर से धक्का लगाएं तो क्या ये हिलेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इधर से लगने वाला फोर्स कितना न्यूटन का है, 40 न्यूटन। ये बॉडी हिलेगा नहीं, तो फिर ये फोर्स गया कहां, ये फोर्स गया कहां, बात तो है, फोर्स लगाने पर बॉडी मोशन में आता है। तो गौर से सुनना, ये 40 न्यूटन का फोर्स है, फोर्स लगाने के कारण ये बॉडी मूव करना चाहता है, अरे बोलो हाँ या ना, फोर्स लगाने के कारण ये बॉडी मूव करना चाहता है, लेकिन इससे फ्रिक्शन क्या है बोलो, ज्यादा। फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा। फोर्स लगाने पर बॉडी मोशन में आना चाहता है, बॉडी मोशन में आना, फिर भी बॉडी मोशन नहीं कर रहा है, बॉडी किसमें है बोलो, रेस्ट में। तो जब कोई बॉडी पर फोर्स लगाने के कारण, कौन सा सुनना, फोर्स लगाने के कारण भी वो बॉडी कहां रहता है बोलो, रेस्ट में ही रहता है, तो हम उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब इस बॉडी पर जैसे फोर्स लगाएं 10 न्यूटन का, कितना न्यूटन का लगाएं बोलो, तो 10 न्यूटन का फोर्स तो लगाएं, लेकिन ये बॉडी हिल ही नहीं रहा है, अरे बोलो हाँ या ना, ये बॉडी हिल ही नहीं रहा। अभी तो एग्जांपल दिए ना कि ट्रक को जाके धक्का देगा अकेला तो हिला देगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा। क्या जब नहीं हिलेगा, इसका मतलब क्या है, वो फोर्स गया कहां। तो ध्यान से सुनना,
जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और फोर्स लगना के कारण भी वो बॉडी किसमें है बोलो, रेस्ट में ही है, क्या है बोलो, तब वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, क्या होता है बोलो, सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब वेरिएबल अपना वैल्यू ऑटोमेटिकली बदलता है, अपना वैल्यू क्या करता है, क्या बोले सुनाई दिया, क्या बोले बाबू, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाए, अगर वो बॉडी फोर्स लगाने के कारण भी वो बॉडी मोशन में आ नहीं रहा है, बात समझ रहा है कि नहीं, मतलब वहां पे कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, स्टैटिक। देखो नामे से पता चल रहा है, स्टैटिक का मतलब होता है जब कोई बॉडी किसमें हो बोलो, रेस्ट में, जब कोई बॉडी किसमें हो, रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो, फोर्स लगाने के कारण भी वो बॉडी किसमें है, रेस्ट में ही है, वहां पे कौन सा फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, बात को समझो, कौन सा फ्रिक्शन बोलो, स्टैटिक, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक। अब ध्यान से सुनना, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है सेल्फ एडजस्टिंग होता है, क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग मतलब अपना वैल्यू खुद बदलता है, अपना वैल्यू क्या करता है, खुद बदलता है, इसका मतलब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब समझाते हैं। यहां पर कितना न्यूटन का फ्रिक्शन है, 40 न्यूटन का, कितना न्यूटन का, इस बॉडी को मूव करने के लिए इधर से कितना फोर्स चाहिए, 40 न्यूटन। अरे बोलो कम से कम 40 से ज्यादा चाहिए, 40 से क्या चाहिए बोलो, 40। अब ध्यान से सुनना, हम इधर से कितना न्यूटन का फोर्स लगाएं, 10 न्यूटन, कितना लगाएं, क्या ये बॉडी हिल रहा है, अरे बोलो हाँ या ना, क्या ये कहाँ हिल रहा है, ना बोलो, हाँ बोल रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, क्या बॉडी हिल रहा है, नहीं। तो इधर से हम लगाए 10 न्यूटन का फोर्स, तो यहां पे कौन सा फ्रिक्शन है अभी, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक बॉडी रुका रहेगा, गौर से सुनना, सुन रहा है, जब तक बॉडी पर फोर्स लगाएं, ध्यान से सुनना, जब भी बॉडी पर फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के कारण अगर बॉडी वो रुका हुआ है, क्या है बोलो, तो वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा, कौन सा फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा, फोर्स लगाने के कारण भी अगर वो बॉडी रुका हुआ है तो कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक, कौन सा फ्रिक्शन बोलो, और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, क्या होता है बोलो, सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब अपना वैल्यू खुद बदलता है, अपना वैल्यू क्या करता है, यहां पर फोर्स कितना दिया है देखो तो 40 न्यूटन, इधर से कितना लगाए बोलो, 10, कितना लगाए 10, तो 10 न्यूटन लगाए तो इधर भी कितना फोर्स लगेगा, 10 ही न्यूटन लगेगा, कितना लगेगा, क्यों 10 लगेगा भाई, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, कौन सा फ्रिक्शन है, फोर्स लगाने के कारण भी अगर वो बॉडी रुका हुआ है, मतलब वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बोलो, सेल्फ एडजस्टिंग, क्या होता है, सेल्फ, तो इधर से लगाए 10 न्यूटन का फोर्स तो इधर भी कितना न्यूटन लगेगा, 10। अच्छा एक बात बताओ, बोले सर इधर से लग रहा है 10, इधर से लगता 40, तो पीछे लुढ़क जाता ना बॉडी, ऐसा होता है क्या, गया ट्रक को धक्का देना ट्रक भड़क गया पीछे घूमने लगा, ऐसा होता है कभी, अरे बोलो हाँ या ना, अभी मान लो तुम लोग को बोले जाके ट्रक को धक्का देना है कि नहीं, तो ट्रक को तुम लोग धक्का दिया, अरे बोलो हाँ या ना, अब मान लो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो क्या ट्रक पीछे घूम के आ जाएगा धक्का देने, ऐसा होता है, नहीं होता, इसका मतलब ही स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बोलो, सेल्फ एडजस्टिंग, समझा कि नहीं समझा, अगर इधर से 40 न्यूटन का फोर्स लगता तो पीछे लुढ़क जाता, बोलो हाँ या ना, क्या ट्रक पीछे लुढ़कता है, नहीं लुढ़कता है, अगर मान लो प्लेन जगह पर, अब ढलान में रखा तो अलग बात है, प्लेन जगह पर रखा हुआ है, ट्रक को जाके धक्का दिया तो ट्रक तो पीछे घूम के आएगा नहीं, नहीं ना आता है, तो इसका मतलब यही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बोलो, सेल्फ एडजस्टिंग, क्या होता है बोलो, सेल्फ एडजस्टिंग, तो सेल्फ एडजस्टिंग मतलब इधर से लगाए हम 10 न्यूटन का फोर्स, इधर से भी कितना लगेगा, 10 ही न्यूटन, है कितना, 40, लेकिन लगेगा कितना, 10, क्यों, क्योंकि यहां पे कौन सा फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, क्या होता है, सेल्फ, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसको लगाए हम 20 न्यूटन का फोर्स, कितना लगाए, पहले अकेला लगा रहा था, दो इंसान अकेला लगा, कितना न्यूटन का बोलो, 20, इधर से लगेगा 20 न्यूटन का फोर्स, क्या ये बॉडी हिलेगा, बोलो हाँ या ना, अरे बबुआ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझाना गारंटी देते नहीं न्यूमेरिकल बना पाएगा, समझा कि नहीं, देखो इधर से कितना न्यूटन का फोर्स लगाए, 20 न्यूटन, क्या ये बॉडी हिलेगा, नहीं हिलेगा, अरे बोलो यार ये बॉडी हिलेगा, क्या अभी बॉडी रुका हुआ है, कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, जल्दी बोलो कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, अपना वैल्यू बदलता है, खुद बदलता है, अपना वैल्यू क्या करता है, खुद बदलता है, तो बताओ इधर से कितना न्यूटन का फोर्स लगाए, 20, तो इधर से भी कितना लगेगा, 20 ही लगेगा, समझ में आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 20 न्यूटन, इधर से लगाए 20, इधर से भी कितना लगा, 20, बॉडी अभी भी रुका हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन बोलो, आगे फिर इसको फोर्स बढ़ाएं, अरे बोलो हाँ या ना, लगाए 30 न्यूटन का फोर्स, कितना न्यूटन का फोर्स लगाए, पूरा हम लगाता है इसे,
अरे बोलो हाँ या ना, पूरा भयानक फोर्स लगा 30 न्यूटन का। अरे बोलो यार, क्या ये बॉडी हिलेगा? अभी भी बॉडी ये मूव नहीं करे, बॉडी मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी जब तक रेस्ट में रहेगा, कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। समझ में आ रहा है? ये बॉडी अभी भी मूव नहीं करेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। क्या होता है? तो इधर से लगेगा 30 न्यूटन का फोर्स, इधर से कितना न्यूटन? 30 न्यूटन। दोनों कैंसिल, बॉडी मूव नहीं करे, ना ये आगे जाएगा ना ये पीछे। खेल खत्म। आगे अब इस पर लगा देते हैं 40 न्यूटन का फोर्स। कितना न्यूटन का फोर्स? अब क्या होगा? इधर से लगाए 40। अरे बोलो हाँ या ना। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ रेजिस्टिंग। बोलो हाँ या ना। अपना वैल्यू फिर बदलेगा, और बदल के इधर से कितना लगाएगा? 40 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। समझ में आ गया? इधर से लगा 40, इधर से लगा 40, कैंसिल, बॉडी मूव नहीं कर। लेकिन बॉडी मूव नहीं करेगा, लेकिन ये मूव करने के कंडीशन में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब जैसे एक न्यूटन का भी फोर्स ज्यादा लगाए, अरे बोलो यार कितना न्यूटन का फोर्स? अरे बोलो, अगर एक न्यूटन का भी फोर्स लगाएं ज्यादा, अगर हम एक 40 न्यूटन का फोर्स लगाएं, कितना न्यूटन का? तो इधर से होगा एक 40 न्यूटन, इधर कितना होगा? 40। अब कहां है? इसके पास 40 ही था। कितना था? 40। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू कितना था? 40। अब इधर से कितना लगाएं? एक 40। तो इधर कितना फोर्स लगेगा? एक न्यूटन। तो ये एक न्यूटन के फोर्स से ये बॉडी आगे मूव करेगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर इधर से लगाएं 40 और इधर से कितना लगा, तो दोनों फोर्स बराबर है। दोनों फोर्स क्या है? तो इस कंडीशन में बॉडी मूव नहीं करेगा, लेकिन बॉडी मूव करने के कंडीशन में आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 40 है वो है क्या? वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, और ये अपना वैल्यू जीरो से लेके मैक्सिमम तक क्या कर सकता है? बोलो, चेंज कर सकता है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो जीरो से लेके कहां तक? बोलो, मैक्सिमम तक अपना वैल्यू क्या करेगा? बदलेगा। अरे बोलो हाँ या ना। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? जीरो। बोले कोई इस पर फोर्स ही नहीं लगाया, तो टोटल इतना यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगी इधर। अरे यार, इधर से मान लो कोई फोर्स लगाया ही नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं? तो इधर स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया? जीरो। लगाए 10 न्यूटन, तो इधर कितना मिलेगा? 10 न्यूटन मिलेगा। यहाँ 20, तो इधर क्या मिलेगा? 20। यहाँ लगाए 30, तो इधर क्या मिलेगा? 30। चेंज कर रहा अपना वैल्यू। इधर लगाए 40, ये बॉडी लगाया 40। आप 40 से जैसे ही ज्यादा लगाए, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया है। इसके पास कितना वैल्यू था? 40। कितना वैल्यू था? 40। अब क्या होगा बाबू? एक बात बताओ, जैसे ही 40 से ज्यादा फोर्स लगाए, ये बॉडी किसमें आ जाएगा? बोलो, मोशन। अगर बॉडी मोशन में है तो इसके पास वेलोसिटी होगा। अगर इसके पास वेलोसिटी है तो इसके पास कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये बॉडी मूव करने लगेगा। जब बॉडी मूव करने लगेगा तो क्या फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा? फिर नहीं फ्रिक्शन लगेगा। अरे बोलो हाँ या ना। क्या चलती गाड़ी में टायर खत्म नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो जब ये गाड़ी चल रहा होगा तब भी तो नीचे की ओर फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन वो कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब बॉडी मूव करने लगता है, जब बॉडी क्या करने लगता है, तो कौन सा फ्रिक्शन पैदा होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। कब आएगा? जब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? खत्म होगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 40। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना है? बोलो, जीरो से लेके 40। ये 40 है क्या? 40 है क्या? 40 है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है? बोलो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इज कॉल्ड लिमिटिंग। समझ में आया लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन पर बॉडी मूव करेगा? बॉडी क्या रहेगा? रेस्ट। और जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगा, कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। तो बोलेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन पर गौर से सुनना, लिमिटिंग फ्रिक्शन पर बॉडी मूव करता नहीं। बॉडी किस कंडीशन पर रहता है? जस्ट अबाउट टू मूव। बॉडी किस कंडीशन पर रहेगा? जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन पर रहेगा। क्या ये तीनों क्लियर है? फटाफट देखो, जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगा, जब तक बॉडी किस में रहेगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो हाँ या ना। इधर से मान लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 40। मिनिमम कितना होगा? जीरो। अरे बोलो यार, और जीरो इससे भी हो सकता है क्या? तो मिनिमम वैल्यू क्या है? बोलो, जीरो। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 40। तो थोड़ा सा सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम मान लो यहां से 40 न्यूटन का फोर्स लगाएं, इधर कितना लगाएं? बोलो, 40 न्यूटन। यानी कि ये FL का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? बोलो, FL का। अरे बोलो, बॉडी मूव तभी करेगा जब बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगने वाला कौन सा फोर्स, किससे ज्यादा होना चाहिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ में आया? स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया? काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आया?
जब बॉडी मूव करने लगेगा तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? जब बॉडी रेस्ट में रहेगा कौन सा फ्रिक्शन? लेकिन जब बॉडी मूव करने की कंडीशन पर होगा कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक। तो जैसे इधर से देखो, गौर से सुनना, यहां 40 है, यहां पर क्या है बोलो? 40। तो अगर हम यहां पे 30 न्यूटन का फोर्स लगाएं, कितना न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो बताए स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? 30 होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? अपना वैल्यू कहां से कहां तक बदलता है? जीरो से लेके मैक्सिमम तक। जीरो से लेके मैक्सिमम तक अपना वैल्यू क्या कर सकता है? लोग बदल सकते। तो इधर से लगाएं 30 न्यूटन का फोर्स, इधर से भी कितना लगेगा? 30। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना न्यूटन होगा? 30 न्यूटन। समझ में आया? लेकिन अगर हम यहां पे 40 न्यूटन का फोर्स लगाएं, कितना न्यूटन का फोर्स लगाएं? 40 न्यूटन का फोर्स, इधर से कितना लगाएगा? 40 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। बोलो हाँ या ना, कितना न्यूटन का? तो इस कंडीशन पर बॉडी क्या हो जाएगा बोलो? बॉडी जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या होगा बोलो? बराबर। अरे भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या? अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ही है ना, बोलो हाँ या ना। बस स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है बोलो? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वह लिमिट है, वह क्या है बोलो? जहां से बॉडी मोशन करना स्टार्ट करता है, जहां से बॉडी मोशन करना क्या करता है? स्टार्ट। तो तुम लोग बता, अब पढ़ाने के बाद तुम लोग बताओ, फ्रिक्शन 3 टाइप का होगा कि 2 टाइप का? 2 टाइप। अरे भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन तो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, बोलो हाँ कि नहीं? तो जब यानी कि फ्रिक्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है बोलो काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अपना वैल्यू जीरो से लेके मैक्सिमम तक बदल सकता है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे बोलो? लिमिटिंग। समझ में आया? क्या बोलेंगे बोलो? लिमिट। अब यहां से बहुत सारा हम लोग को केसेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोलो? केसेस। तो ध्यान से सुनना, हम ये एग्जांपल देके समझाएं, इसको मिटा देते हैं, बोलो हाँ या ना। एक बात बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन बोलो? स्टैटिक फ्रिक्शन को अभी हम कुछ देर के लिए लिख रहे हैं, सब चीज कॉपी में लिखा देंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन को FS से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन को FL से डिनोट करेंगे। क्या बोलेंगे? FL से। अरे बोलो यार, लिमिटिंग फ्रिक्शन को किसे डिनोट करेंगे? FL। और काइनेटिक फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं FK से, किसे डिनोट करेंगे? FK से। समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, इतना तो तुम लोग को हम समझा दिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है जीरो से लेके कहां तक बदलेगा? FL तक। FL है क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। फटाफट जवाब दो, जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगा कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन? जब बॉडी सुनो, जब बॉडी मूव करने की कंडीशन पर होगा तो हम कौन सा फ्रिक्शन? अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? तो दो ही टाइप का फ्रिक्शन होता है, एक होता है स्टैटिक और काइनेटिक। तो जब बॉडी मूव करने की कंडीशन पर रहेगा तब भी कौन सा फ्रिक्शन लगे? स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? अरे बोलो यार, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या? ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, बोलो हाँ या ना। जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगा, आंख बंद करके याद रखो, जब तक बॉडी, कौन सा फ्रिक्शन? लेकिन बॉडी मूव करने लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बोलो? समझ आ गया? लेकिन ये खाली एक पॉइंट याद रखना कि जब बॉडी मूव करने के कंडीशन पर हो, जब बॉडी, अभी तक याद नहीं हुआ क्या? इतना हम 10-15 बार से भी ज्यादा बोले कि नहीं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जब एक्सटर्नल, देखो ऐसे समझा दे, देखो अब मान लो यहां से लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है, कौन सा फोर्स है बोलो? एक्सटर्नल। तुम लोग बताओ, तीन केस यहां से पढ़ा देते, फटाफट बताओ। देखो पहचानेंगे कैसे कि कौन कब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और कब क्या होगा बोलो? बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देख लो। इधर से लगने वाला कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। अरे बोलो यार, कौन सा फोर्स है? तो जब एक्सटर्नल फोर्स, अरे सुनो, जब एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगने वाला फोर्स, अरे बोलो यार, बाहर से लगने वाला फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या रहेगा बोलो? कम। अरे बात समझ में आ रहा है? हम वैल्यू दिए थे याद है ना, जीरो से लेके कहां तक मान लिए थे बोलो? 40। तो मान लो एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन है, कितना न्यूटन है? और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 40। रोकने वाला फोर्स कितना न्यूटन तक है? 40। लेकिन एक बात बार बार बोल रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्या होता है? अपना वैल्यू खुद बदलता है, कहां से कहां तक? जीरो से लेके मैक्सिमम तक, जीरो से लेके। तो इधर से लग रहा है 30 न्यूटन का फोर्स, तो इधर कितना लगेगा? 30 न्यूटन लगेगा, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्या होता है बोलो? सेल्फ। अब गौर से सुनना, पहला केस देखो, पहला पॉइंट सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अगर एक्सटर्नल फोर्स, अगर
अगर एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो, कम हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो, क्या बॉडी मोशन में रहेगा? बॉडी कहाँ रहेगा? रेस्ट। और जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगा कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बोलो? स्टैटिक। समझ में आया स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगाना है? जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगा तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। बहुत ज्यादा। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना कि जब एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स समझता है कि नहीं, बाहर से लगा, जब एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो, बराबर, अरे बोलो यार, जब एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या होगा, बराबर, बॉडी किस कंडीशन में रहेगा? जस्ट अबाउट टू मूव का मतलब बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मूव करने के कंडीशन में है, समझा कि नहीं, मूव करने की कंडीशन में है, तो जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन पर है, लेकिन बॉडी अभी भी कहां है? रेस्ट में। क्या बॉडी मूव कर गया? तो जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगा कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बोलो? स्टैटिक। ये पॉइंट्स याद रखना, न्यूमेरिकल धनाधन बनेगा, समझ में आ गया कि नहीं? तीसरा पॉइंट देखो गौर से सुनना, जब एक्सटर्नल फोर्स, जब क्या होगा बोलो? बोलो रे बबुआ, कौन सा फोर्स? लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो जाए? ज्यादा। लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो जाए? ज्यादा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वह मैक्सिमम वैल्यू है जब तक बॉडी क्या रहता है? रेस्ट में। समझ में आ गया कि नहीं? तो एक्सटर्नल फोर्स जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो जाए बोलो? ज्यादा। लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ गया ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया? तो देखो गौर से सुनना, एक्सटर्नल फोर्स जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो जाए बोलो? ज्यादा। दिख रहा नहीं है, ग्रेटर लिखे हैं, दिखाई दे रहा है सबको? तो इस कंडीशन में क्या होगा जल्दी बताओ? बॉडी आ जाएगा किसमें बोलो? मोशन। अगर बॉडी मोशन में आ जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? इसका मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब है कि जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो गौर सुनो, कभी कभी तुम लोग सिचुएशन ऐसा भी देखा होगा, देखो रियल लाइफ में कभी धक्का दिया है, कभी वैन को, टेम्पो को, गाड़ी को, तुम लोग देहात वाला कौन कौन है, गांव से कौन कौन आता है? गांव में अभी धान कटाई का समय चल रहा है, तो अभी तो सड़क उड़क बन गया है, पहले का टाइम में आदमी वैन से लाता था, धान लाता था कि नहीं? और पहले का रास्ता भी बहुत, आज भी हमको याद है, मेरे घर में आज भी खेती होता है, मेरे पापा लोग किसान है, ध्यान से सुनना, तो पहले का आदमी जो भैन, अरे क्या बोलते हैं उसको यार, बैलगाड़ी से ना गिरी, बैलगाड़ी से धान लाता था, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बड़ा बड़ा नदी होता था, नदी में जाके फंस जाता था तो पीछे से हम लोग धक्का देते थे, बोलो देता था, गांव वाला है उन लोग को पता होगा, चास वाला को तो पता नहीं होगा, कन्फर्म है, लोग धानों नहीं देखा होगा कैसा होता है, देखा है क्या? चावल देखा होगा, धान नहीं देखा होगा। देखो गौर सुनो, तो सुनो क्या करता है, देखो गौर सुनो, अरे देखो फील दिलाते हैं, देखो फ्रिक्शन का, पहले ऐसे धक्का देता होगा, अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यार, मान लो एक आदमी से अगर नहीं घिसक रहा है तो दो आदमी लगाएगा, और तगड़ा फोर्स लगाएगा, बोलो हाँ या ना, और लगाएगा, जब बहुत तेज लगाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब लगेगा कि हाँ घिसकने लगा है, अरे बोलो हाँ या ना, और फिर जैसे ही वो बॉडी मोशन करने लगेगा वो बॉडी किसमें आ जाएगा बोलो? स्पीड। अच्छा एक बात बताओ, किसी बॉडी को मोशन में लाना टफ होता है, मोशन कराना टफ नहीं होता है, क्या बोले सुना है दिया? क्या बोले? ये तो समझ में आ गया ना सारा? कोई भी बॉडी जो है, किसी भी बॉडी को मोशन में लाना टफ होता है, मोशन कराना टफ नहीं होता। कैसे? देख, कभी तुम लोग देखा होगा, जैसे हम यही चेयर को लेते हैं, इस चेयर को अगर हम धक्का दे एक बार, ये बॉडी जैसे ही मोशन में आ जाएगा फिर इजिली मूव करने लगता है, देखा है? जैसे ट्रक ही ले लेते हैं, मान लो ट्रक, अरे बोलो यार, ट्रक को जाके धक्का दिया, 10 आदमी लगा के धक्का लगाएगा, कितना आदमी? तब जाके वो मूव करेगा, बस समझ में आ गया? लेकिन जब वो मूव करने लगे ना, जब वो बॉडी क्या करने लगे, तो दो आदमी छोड़ भी देगा ना तो 8 आदमी भी आराम से घिसका के ले जाएगा, ऐसा होता है? देखा कि नहीं देखा? इसका मतलब यही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बहुत ज्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? बॉडी जैसे ही मोशन में आ जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा क्या होता है बोलो? घट जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? थोड़ा सा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही वैल्यू क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे ही बॉडी एक बार मोशन में आ जाए, बॉडी क्या आ जाए बोलो? फिर वो इजिली मूव करने लगेगा। बॉडी क्या करने लगा बोलो? इजिली। बोलो यहां समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। कब बॉडी मोशन में आता है, कब बॉडी मोशन में आ नहीं आता, क्या समझ में आ गया ना? चलो नोट डाउन करो, फिर सब लिखा देंगे। पहले ये सब नोट करो, ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बाद में लिख लो ना, उसको हेडलाइन बना लो, पहले ये लिख लो।
नहीं तो लिख लो, रुको पहले यही लिख लो, पहले इसको लिख लो फिर ये लिख लो, जो पसंद है पहले लिख लो। थक गए तुम लोग को समझाते समझाते 45 मिनट। देखो बाबू इतना चिल्लाए तुम लोग के पीछे, समझ में आ रहा कि नहीं? अगर तुम लोग नहीं समझाना तो और कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा कि? ध्यान से सुननेगा तो आराम से समझ में आएगा, और इसी कंसेप्ट से न्यूमेरिकल बनेगा, इसी कंसेप्ट से, समझ में आ रहा कि नहीं? आज जाके सबसे पहले तुम लोग जाके अभी सड़क पे जाके ट्रक को धक्का देना और चेक करके देखना क्या है कि नहीं। साइकिल को धक्का देगा, साइकिल वाला में फील नहीं आएगा। हाँ वो बोलो, इधर से कितना लग रहा है 40. और इधर से 40. तो 40 लगे तो जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन में रहेगा, तो समझाए तो बॉडी मूव नहीं करे। हाँ हाँ तो वही तो बोले, पीछे से भी अगर इधर से 40 न्यूटन तो दोनों तरफ बराबर है ना रे, इधर से कितना है 40, इधर से कितना है 40, तो बॉडी कहाँ से मूव करेगा, एकदम नहीं, जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन पर रहेगा। कैसे एक्शन फोर्स ज्यादा होगा? छाप लो, घर में जाकर सोचना आराम से, स्टैटिक फ्रिक्शन इजी है, ये उसी के लिए जो समझ गया, जो फ्रिक्शन चैप्टर पूरा इजी है, बहुत इजी है, उसी के लिए जो समझ गया, समझ में आ गया कि नहीं? इसे ध्यान से सुन लो, चुपचाप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझा कि नहीं है? तुम जो सोच रहा है ना कुछ नहीं होता सर, समझ में आ रहा कि नहीं? जो बताएं वही होता है, चुपचाप लिख लो। हाँ यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे। अरे ये समझाए थे कि जब तक बॉडी इसी को मिटा देते रहना, तो चलो ये बॉडी मोशन तभी करेगा, ये सब कंडीशन पे मोशन करेगा, समझ में आ गया कि नहीं? तो हम पूरा समझा दिए यहाँ पे कि जब एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगने वाला फोर्स एप लिमिट से क्या हो, ज्यादा, एप लिमिट से क्या हो, यहाँ कम है पहला केस में, कि एक्सटर्नल फोर्स जब एप लिमिट से क्या हो, बोलो कम है, तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, बॉडी मूव हिलेगा नहीं, और बॉडी हिलेगा नहीं तब तक जब तक रेस्ट में रहेगा, कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे बाहर से लगने वाला फोर्स इधर से लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा तो बॉडी हिलेगा तो नहीं, लेकिन वो हिलने की कंडीशन में आ जाएगा, बुलाए ना, जस्ट अबाउट टू मूव रहेगा, अब यहाँ से मूव स्टार्ट हो सकता है, बुलाए ना, मतलब जैसे इधर से एक न्यूटन भी ज्यादा फोर्स लगाए तो ये बॉडी मोशन में आ जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब ये जस्ट अबाउट टू मूव, लेकिन बॉडी अभी भी किसमें है, बोलो रेस्ट में, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें देखो, इस केस में एक्सटर्नल फोर्स इस बार क्या है, एप लिमिट से ज्यादा है, एप लिमिट से क्या है और ज्यादा रहेगा तो बॉडी किसमें आ जाएगा, मोशन में। अगर बॉडी मोशन में आ गया तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो इतना दिमाग में रखो, चलो चलो उतारो जल्दी। अरे भाई साहब समझा, हुआ लिखा हुआ? मिटाए हम इतना अब, चलो हो गया, लिखो अब सबका डिफिनेशन, लिखा देते हैं, दिखा दे ना, चलो लिखो, पहला नंबर लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन,
चलो फटाफट बताओ ये स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या, बोलो। स्टैटिक फ्रिक्शन समझा दिया हम पूरा, क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? जब बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो ये बॉडी मूव नहीं करता है, मूव करने का कोशिश करता है, बोलो हाँ या ना। यानी कि टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, क्या बोले बोलो, टेंडेंसी बोलो या फिर सीधे लिखो ना, व्हेन द बॉडी लिखो, व्हेन द बॉडी टेंड्स टू मूव, व्हेन द बॉडी टेंड्स कैसे लिखो, TN लिखो, व्हेन द बॉडी टेंड्स टू मूव, व्हेन द बॉडी टेंड्स टू मूव, देन फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी देन स्टैटिक फ्रिक्शन, देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज वर्क्ड, देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज वर्क्ड बिटवीन देम, देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज वर्क्ड बिटवीन देम, ठीक है ना। तो कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा जब बॉडी किसमें बोलो, टेंस, टेंस मतलब क्या होता है, मूव करने का कोशिश करेगा, मूव तो कर नहीं रहा है अभी भी, बॉडी किसमें रहेगा बोलो, रेस्ट। बट एक बात बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बोलो, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, लिखो, इट इज ए सेल्फ स्टैटिक फोर्स, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, उसी में लिखो, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट्स वैल्यू इज चेंज, लिखो, इट्स वैल्यू इज चेंज, हाँ, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट्स वैल्यू इज चेंज्ड, या फिर इट्स वैल्यू कैन चेंज लिखो बेटर रहेगा, इट्स वैल्यू कैन चेंज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, कैन चेंज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, दैट मीन्स इट इज ए वेरिएबल फोर्स, That means it is a variable force. That means it is a variable force. लिखा कि नहीं, ये कैसा force है? Variable force है. कैसा force है? तो जल्दी बताओ बाबू, Static friction कैसा force होता है? Variable force होता है ना? क्या होता बोलो? इसका value कहाँ से कहाँ change करता है? Zero से लेके maximum तक. Zero से लेके maximum. समझ में आ गया? ये clear है? दूसरा लिखो, limiting friction. दूसरा नंबर में लिखो, limiting friction. दूसरा नंबर क्या लिखा बोलो, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखा ना, दूसरा नंबर लिखो लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है तुम लोग बोलो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या है बोलो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, लिखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड limiting friction, the maximum value of static friction is called limiting friction. In this condition, body does not move, comma karo, बॉडी इज इन जस्ट अबाउट टू मूव, कॉमा करके लिखो, बॉडी इज इन जस्ट अबाउट टू मूव, क्या लिखा है बाबू बोलो तो, इन दिस कंडीशन बॉडी डज नॉट मूव, कॉमा करके लिखो, बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, समझ में आ गया, इन दिस कंडीशन क्या होता है, बॉडी मूव नहीं करता है, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन पर रहता है, समझ में आ गया, अरे बोलो हाँ या ना। तो बता, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, समझ में आ गया कि नहीं, कौन सा फ्रिक्शन है बोलो, स्टैटिक। तो तुम लोग ही बता दो कि फ्रिक्शन दो ही टाइप का होगा कि तीन होगा, दो होगा, क्या होगा बोलो, दो, एक होगा स्टैटिक फ्रिक्शन और एक क्या होगा बोलो, काइनेटिक। अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन कब मिलेगा, जब बॉडी क्या कर रहा होगा बोलो, मूव कर रहा, समझ में आ गया, लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन लिख के दो डैश, हम सबको लिखा दिए, स्टैटिक फ्रिक्शन को किसे डिनोट करते हैं, एफएस, बार बार लिखा है क्या, इट इज डिनोटेड बाय एफएस, इट इज डिनोटेड बाय एफएल, ये सब लिखा है क्या, छोटा बच्चा ये सब लिखता है, देखो यहां समझ में आ गया ना, स्टैटिक फ्रिक्शन को किसे डिनोट करेंगे, एफएस, काइनेटिक फ्रिक्शन को किसे डिनोट करेंगे, एफएस, और लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफएल, एफएल का मतलब होता है लिमिटिंग, क्या होता है बोलो, लिमिट,
लिमिटिंग क्या है पता चल रहा है? देखो बॉडी पहले तो रेस्ट में रहेगा, बोला है ना, एक पोजीशन आएगा जहां पर बॉडी क्या रहेगा बोलो, जस्ट अबाउट टू मूव, यहां पर मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, क्या होगा बोलो, मैक्सिमम। और फिर जैसे ही मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दे तो बॉडी किस में आ जाएगा बोलो, मोशन। और जैसे ही बॉडी मोशन में आ जाएगा कौन सा फ्रिक्शन मिल जाएगा, काइनेटिक। तो व्हेन द बॉडी इज इन मूविंग, समझ में आ गया, लिखो लिखो ऐसे लिखो लिखो व्हेन द बॉडी इज मूविंग, व्हेन द बॉडी इज मूविंग देन काइनेटिक फ्रिक्शन इज वर्क बिटवीन देम, काइनेटिक फ्रिक्शन इज वर्क बिटवीन देम, देन काइनेटिक फ्रिक्शन इज वर्क बिटवीन देम, देन काइनेटिक फ्रिक्शन इज वर्क बिटवीन देम, लिख लिया, काइनेटिक फ्रिक्शन इज वर्क बिटवीन, क्लियर हुआ बात? अरे बोलो हाँ या ना, पूरा समझ गया ना? कंडीशन बताओ, कंडीशन ही तुम लोग को याद होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या पढ़ाए थे बताओ, बस अब 5 मिनट भी छुट्टी कर देते हैं, ठीक है? ये 3 पॉइंट दिमाग में डाल के आना नेक्स्ट क्लास, समझ में आ रहा कि नहीं? हम पूरा समझा दिए, देखो यहाँ पे कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास क्या है बोलो एम, जैसे ही यहां पर लगाए कौन सा फोर्स बोलो, यहाँ पे इसके बीच बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी किसमें है बोलो, रेस्ट। तो जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगा कौन सा फ्रिक्शन मिलेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से कहां चेंज होगा, जीरो से लेके एफएल तक, एफएल है क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक। पहला केस देखो, बॉडी मोशन में तभी आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, एफ लिमिट से ज्यादा होगा, बाहर से लगाने वाला फोर्स एफ लिमिट से क्या होना चाहिए, ज्यादा, तभी बॉडी किसमें आएगा बोलो, मोशन। ये 3 कंडीशन है, पहला याद रखना, पहला बोलो अगर एक्सटर्नल फोर्स, अगर कौन सा फोर्स बोलो, एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल फोर्स एफ लिमिट से क्या हो बोलो, कम, बॉडी किस में रहेगा, रेस्ट में, और जब तक बॉडी रहेगा रेस्ट में, अरे बोलो हाँ या ना, जब तक बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट में, समझ में आ रहा कि नहीं? अरे बॉडी ना, बॉडी मूव करना चाहता है लेकिन मूव ही नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि यहां पे कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक, इधर से लगेगा 10 न्यूटन का फोर्स, तो इधर से भी कितना लगेगा बोलो, 10। बार बार बोल रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, इसका वैल्यू जीरो से लेके मैक्सिमम तक बदलता है, जीरो से लेके मैक्सिमम तक बदल। चलो देखो यहां गौर सुनो, ये क्लियर है? तो बताओ एक्सटर्नल फोर्स एफ लिमिट से अगर कम है, एफ लिमिट से क्या है बोलो, बॉडी कहां रहेगा, रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो कौन सा फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, बहुत अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को किसे डिनोट करते हैं, एफएस, एफएस लिख दे डायरेक्ट, बहुत अच्छा, यहां एफएस लिख देते हैं। चलो बताओ दूसरा केस, केस टू बोलो जल्दी, अगर एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो, एफएल, अगर एफएल के बराबर होगा तो इस कंडीशन पर क्या होगा, जस्ट अबाउट टू, क्या बॉडी मूव कर रहा है, बोला है ना, बॉडी किस कंडीशन पर है, अभी भी बॉडी रेस्ट में है, अभी भी बॉडी कहां है, बस अभी भी बॉडी रेस्ट में ही है, अभी भी मूव किया नहीं है, लिखा दिए थे ना, तो ये अभी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, समझ में आ गया। और तीसरा नंबर में बोलो, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाएगा किससे, एफ लिमिट से, बॉडी किस में आ जाएगा, मोशन, अगर बॉडी मोशन में आ जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन, एफ के, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया कि कब स्टैटिक लगाना है, कब काइनेटिक लगाना है, क्लियर हो गया? 2 केस में स्टैटिक लगेगा और 1 केस में काइनेटिक, समझ में आ रहा कि नहीं, समझ रहा है? बस काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगता है जब गाड़ी रुका हुआ है तो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी मोशन कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक। खेल खत्म, आज के लिए इतना ही रखो, नेक्स्ट क्लास बताएंगे, ठीक है? तुम लोग सब रुक जाओ।